तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो है SBI क्लर्क के बारे में, हम बात करेंगे आसाम और त्रिपुरा के कट ऑफ के बारे में। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना भाई लोग, क्योंकि देखिए भाई मैं कुछ कमेंट देख रहा था इसलिए मैं सारा वीडियो सभी लेके आ रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं फेक कट ऑफ बोलता हूँ, ठीक है यार फेक बोलता हूँ मत देखो यार, ठीक है वीडियोस मत देखो कोई बात नहीं, डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, चैनल डिलीट करवा दो, जो करना है करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सही है मैं बताऊंगा यार। जैसे कुछ लोग कह रहे थे त्रिपुरा का कट ऑफ 62-63 गया है, अब आप ही बता दो, त्रिपुरा के जो कैंडिडेट हैं आप ही बता दो कि कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। तो जो डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे, दो कैंडिडेट तीन कैंडिडेट थे डिस्कशन चल रहा था, ये तो ये सब टोटली गलत है यार। मैं चाहूँ तो कमेंट दिखा सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा यही कहना है यहाँ पर, अब ये आसाम और त्रिपुरा में ना एक बात मैं कहता हूँ, कट ऑफ इस बार 80 टच करने का पूरा चांस है। वो 70 के एवरेज में रहेगा वो एक अलग पॉसिबिलिटी है, ठीक है 70 के अराउंड में रहेगा, अलग पॉसिबिलिटी है, चांस है कि 70 के अराउंड में रहेगा, प्लस माइनस जो भी है, जैसे 68-70 जो भी है एक चांस है। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कंपटीशन, जैसा IBPS में हुआ है आपने देखा होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ कट ऑफ का, 80 क्रॉस कर गया। तो इस बार भी आपका असम और त्रिपुरा में 80 क्रॉस भी कर सकता है, 70-75 के एवरेज में भी रह सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्रैक्टिस आप लोग करें, प्रिपरेशन करें, अपना मोटिवेटेड रहें, और ऐसा ना करें कि आप ये सब मिथ में ना जिए कि आपका 50 या 60 में अटैम्प में आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि आसाम त्रिपुरा में, स्पेशली त्रिपुरा में कह रहे हैं कि 60 अटैम्प में भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चक्कर में ना रहना भाई लोग, मैं यही कहता हूँ अपना बेस्ट देना, 80-90 प्लस अटैम्प हो, जितना अटैम्प हो एक्यूरेसी पर ध्यान रखना, आपका ट्राई करना मैक्सिमम अटैम्प करने का विथ एक्यूरेसी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ देख कहा नहीं जा सकता है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है 70 के एवरेज में मेरा एक्सपेक्टेड है 70 के एवरेज में, लेकिन 80 क्रॉस भी हो सकता है। तो बस ये एक्सपेक्टेड आप लोग ये सब चक्कर में ना रहे कि यहाँ पे कट ऑफ 50-40 रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, बस आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मॉक में जितना भी आए, आपका 50 आए 60 आए 70 आए, गोली मारिए, ठीक है उसको छोड़िए, आप एनालाइज पे ध्यान दीजिए, पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा। तो एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है एनालाइज जैसे करेंगे आप लोगों बेटर रहेगा। तो 70 हो अटैम्प, 80 हो अटैम्प, जितना हो आप लोग अपना अपना बस एनालाइज करना, और सारे क्वेश्चन का आप लोग बैठ के एनालाइज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, और स्पेशली इंग्लिश में एक्यूरेसी रखने की कोशिश करना, इंग्लिश ही गेम चेंजर होगा इस बार का। तो पेपर का लेवल ठीक है, ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो बस ये आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, मॉक जितना हो सके लगाएं और एनालिसिस करें, सबसे बड़ा बात ये है, और कट ऑफ के चक्कर में ना भागे। एवरेज कट ऑफ 70 के अराउंड या उसके ज़्यादा रहेगा, एक 5% चांस है कि 80 प्लस भी जा सकता है। तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना नॉर्थ ईस्ट का इम्पॉसिबल है, जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना टोटली गर, बड़े बड़े चैनल भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है टोटली वो सब चक्कर में मत रहना, ठीक है। पता नहीं अब बड़े बड़े चैनल के पास भी आजकल कट ऑफ है, ठीक है छोटे छोटे स्टेट का, तो उन लोग जैसे कह रहे हैं वो चक्कर में मत रहना। मैंने सारे स्टेट पे वीडियो बनाया, प्रीवियस वीडियो था मेरा मिजोरम नागालैंड पे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, और ये असम और त्रिपुरा पे है। तो असम और त्रिपुरा का ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो जैसा मैंने कहा है वही डायरेक्शन में चलना, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना भाई लोग।